बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नाइल कंसल्टेंट सक्सेस स्टोरी सिलसिला जारी उशारी है। अल्लाह पाक के फ़ज़्ल करम में आज हमारे एक और क्लाइंट का इफ्तिखार अनवर चीमा साहब का वीज़ा लगा है कनाडा का, 5 ईयर्स का। इनका टोटल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। डिटेल आपको ये खुद बताएंगे, इनसे जानते हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सर तरफ रहे, किस इलाके से हैं, किस सिटी से? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद चीमा, मैं सरगोधा से बिलोंग करता हूँ। गुड हो गया सर। जी सर, ये नाइल को कैसे निकाला, कहाँ से निकाला? मैंने फेसबुक पे ये पेज देखा था। कितना से पहले? तकरीबन तीन चार माह पहले। फिर उसके बाद क्या प्रेस चेक क्या लिया आपने? फिर मैंने फेसबुक पे एड्रेस पर चेक किया, एड्रेस कर चेक करने के बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर लेके फिर यहाँ पे मैं। ठीक, जब यहाँ पे आप आए ऑफिस के अंदर, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, वो कैसी इन्फॉर्मेशन थी? उसमें कोई जेन्युइननेस थी, झूठ था, क्या था? नहीं, ठीक था, जेन्युइन था सब कुछ। किसी चीज़ पे शक था? नहीं, कोई शक नहीं। हमने कोई वीजा की गारंटी दी थी आपको कोई? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चले गुड हो गया सर। कितने अर्से का वीजा लगा आपका सर? मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, 5 साल का पासपोर्ट था और 5 साल का वीजा। खाएं जरा वाम सर, कनाडा का वीजा है, थाईलैंड का है? सर कनाडा का। अच्छा, और ये फ्रेश पासपोर्ट दिखाएं? फ्रेश पासपोर्ट। कभी पाकिस्तान से बाहर गए हैं आप? नहीं, फर्स्ट टाइम पे। गुड हो गया सर। डॉक्यूमेंट किसके थे? डॉक्यूमेंट सारे आपके थे। हमारे डॉक्यूमेंट थे। गुड हो गया सर। ये बताएं, जो लोग कहते हैं आपके आपके इलाके में बहुत तो कहते होंगे कि कनाडा फ्रेश वीजा ही देता, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? लेकिन हमारा इस टाइम पर लग चुका है, हम तो कहेंगे लग जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट सारे आपने बनाए हैं, हमने सिर्फ ओनली एक स्टेटमेंट दी थी बस। मुझे ये बताएं सर, जब वीज़ा अप्लाई करने से पहले कुछ लोगों ने कहा होगा आपको कनाडा अप्लाई ना करना, नहीं लगता ये वो, कोई नेगेटिविटी? नहीं, वो तो होती है ना, तो आप लोग वो तो बात करते हैं, बात करते हो। फिर आप क्या जवाब देंगे उनको जो नेगेटिविटी फैला रहे थे कि लगता ही नहीं सारा? देखिए, ये पासपोर्ट है, अभी सबको दिखाने वाला पासपोर्ट है, वो खुद ही, जिसने देखना है वो खुद ही देख ले। गुड हो गया, गुड। पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप हो चुका है। गुड हो गया। मुझे आप ये बताएं सर, प्लान्स क्या है आपके कनाडा में? वहाँ जॉब करेंगे जाके या क्या कंपनी बिजनेस करेंगे? नहीं, कुछ बिजनेस, कुछ जॉब पहले तो जाके कुछ देखेंगे, आप ढूंढेंगे, उसके बाद जाके कुछ इंशाल्लाह सेटल होने की कोशिश करेंगे। गुड हो गया सर। आपने हमें आपने कोई 50-1 लाख रुपये दिया होगा वीजे के लिए सर? हमने करोड़ों पे दिया? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सुनने वालों को जिन्होंने कनाडा वीजा अप्लाई करना है, खासतौर पर जिनका फ्रेश पासपोर्ट, आप उनको क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं तो सर उनको यही कहना चाहूँगा कि नाइल कंसल्टेंट से आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका भी मेरी तरह वीज़ा लगेगा। यही छोटा सा जान जाते हैं आज। मेरी दुआ है जिन लोगों ने अप्लाई किया, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। और हमेशा एक बात कहता हूँ कि रिस्क के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। रिस्क लेंगे तो ऐसा वीजा स्टिकर आप पर लगेगा आपका। अगर आप पहले ही सोचते बैठ गए कि नहीं यार लगना ही नहीं, तो फिर लगना ही नहीं, तो फिर आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा रिस्क में रिस्क है, ये आप माइंड में रखें बात। वंस अगेन मेरी दुआ है अल्लाह पाक कामयाब करे आपको। थैंक यू। आमीन।